वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया, पूरी की पूरी ट्रेन समंदर में समा गई। हाय दोस्तों, जर्नी विद मनीष के एक और फ्रेश एक्साइटिंग एनर्जेटिक ट्रेन जर्नी में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो इस टाइम पे मैं हूँ चेन्नई के चेन्नई एगमोरे रेलवे स्टेशन पे, जो कि चेन्नई सेंट्रल से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। बहुत ही आसानी से आप चेन्नई एगमोरे पहुँच सकते हैं। एनीवे, सो आज अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है बहुत ही यादगार सफ़र की ओर निकल रहा हूँ। ट्रेन नंबर 16851 16851 जो कि चेन्नई एगमोरे से शाम 7:15 पर खुलती है और लगभग 665 किलोमीटर कवर करने के बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह 8:20 पे रामेश्वरम पहुंचाती है। और ये जो सफ़र होने वाला है बहुत ही ज़्यादा यादगार होने वाला है, मेरे इस जितने भी ब्लॉग किए हैं मैंने उन सभी में से एक ये होने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो चलिए, देर किस बात की, ट्रेन अपनी लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे और बोर्ड करते हैं कोच अपना B1 और निकलते हैं अपने यादगार सफ़र की ओर। मैं ये कह सकता हूँ आपको इस ब्लॉग में जो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सुबह तो आ चुका हूँ मैं B1 और अपनी सीट है मेरा साइड अपर। और अगर मैं कोच के साफ़ सफाई की बात करूँ, बोट मेल एक्सप्रेस की काफ़ी अच्छी है। ऐसे में जब भी बॉम्बे साइड या फिर वेस्टर्न रेलवे में मतलब जब भी ट्रैवल करता हूँ, मुझे साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी लगती है बाकी अदर स्टेट के मुकाबले। सीट वूट थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं पूरा नीट एंड क्लीन। जी जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और ये मैंने ऊपर सामान वगैरह रखा हुआ है अपना, जैकेट दिल्ली से बाहर घूमता हुआ आ रहा है। और फर्श वगैरह की बात करूँ देख सकते हैं, मतलब फुल मेंटेन के साथ जो है दिया गया और काफ़ी अच्छा है, क्लीन है। दो पानी बोतल, दो ठंडा चाहिए? हाँ ठंडा दे दो। ट्रेन में पेंट्री गार्ड नहीं है तो थोड़ा ऐसे पानी उनी ले लिया हूँ। भोजन जो हूँ शाम में लगभग वही 2:30 के आसपास किया था, 2:30-3 बजे के आसपास। मुझे नहीं लग रही भूख लगी, अगर लगेगी तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के काम चलाने वाला। ओके गए, तो बिल्कुल राइट 7:15 पे गार्ड साहब की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है और साथ ही साथ अपनी ट्रेन चेन्नई एगमोरे से डिपार्चर हो चुकी है। तो 158 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं विलुपुरम जंक्शन। स्टेशन कोड है VR। रिकॉर्ड स्टार्टिंग में इसलिए नहीं किया क्योंकि बैक साइड में जो काफ़ी अंधेरा था, मैं सोचा डिपार्चर के टाइम पे ही रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अपनी ट्रेन जो यहाँ पे बिफोर 10 मिनट पहुँचाई थी। चलिए पहले आप डिपार्चर देख लीजिए, बाकी की बातें मैं कर रहा हूँ। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 8 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है और यहाँ पर रोज़ाना 188 ट्रेन आके होल्ड करती है। 20 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 20 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट करती है। ऑलमोस्ट हम लोग प्लेटफॉर्म के बाहर निकलने वाले हैं और जो चढ़ने वाले यात्री सब थे वो मेन हमारे वहीं से चढ़ चुके थे, चेन्नई एगमोरे से। विलुपुरम जंक्शन। चलिए, इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि इस ब्लॉग को ज़्यादा बचा कर रखना है पंबन ब्रिज के लिए,
है ना, पंबन ब्रिज को, इस ब्लॉग का मेन मकसद ही है पंबन ब्रिज को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वहाँ का ही शूट होगा। तो ज़्यादा कुछ भी बात ना करते हुए टाइटली मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ गुड नाइट, और इस ब्लॉग को कल सुबह से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। गुड नाइट वंस अगेन एंड स्वीट ड्रीम्स। 6 hours later तो गाइज, तो गुड मॉर्निंग, और 648 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मंडपम। स्टेशन कोड है यहाँ का MMM, और यहाँ पे 30 ट्रेनों का हॉल है, और 3 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 3 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है, और साथ ही साथ हम लोग मंडपम से डिपार्चर कर चुके हैं, और वो घड़ी बस आने वाली कुछ ही पलों के अंदर जिसका जो है हम सभी को इंतज़ार है था। और मैं आपको बता दूं, अपना जो पूरा कोच है रातों रात खाली हो गया, जो भी इक्के दुक्के पैसेंजर बचे हुए थे वो सारे के सारे जो है पहले उतर चुके, रामेश्वरम जा रहे हैं। एक हमारे साथ में को पैसेंजर थे बंगाल के, तो वो रामेश्वरम घूमने के लिए जा रहे थे, बस वो हमारे साथ हैं, बाकी सब पैसेंजर जो पहुँच गए उतर चुके हैं। चलिए उस घड़ी का इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा और वक्त बस एक्सप्लोर करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं आपको। वहाँ पे देखो पिकअप तीन है, ओ पीछे भी दिखा था लेकिन उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। यार रियल में ना स्काई व्यू देखो, मैं तो नीचे तो देखता ही नहीं यार, ऊपर की साइड देखता हूँ क्या आसमान का जो नज़ारा है, लेकिन रियल स्काई कलर जो है ना वो देखने को इधर ही लग रहा है मेरे भाई, क्या बवाल का लग रहा है। जिसका तुझे आई इंतजार वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, जिसका आपको और मुझे इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है फाइनली। बस हम लोग 1 मिनट के अंदर जो है पंबन ब्रिज पे चढ़ने वाले हैं, और ये देखो यार समंदर, वाओ। दोस्तों ये जो पंबन ब्रिज है ना, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आई थिंक 1911 में ये बनना चालू हुआ था, और 24 फरवरी 1914 में जो इस पुल का उद्घाटन हुआ था। बहुत जो पुराना ये पुल है, वाह यार। और कुल लंबाई की बात करूँ इस पुल की तो 6776 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। बस ख़त्म होने वाला है हमारा, और उधर का व्यू देखिए क्या शानदार व्यू है, वाह यार। और यार इसका व्यू क्या मस्त, समंदर देखो पूरा एकदम नीला, क्या मस्त रियली यार, दिल खुश हो गया इधर आ करके, दिल खुश हो गया। और दोस्तों आप रामेश्वरम को इंडिया का आखिरी शहर भी बोल सकते हो, क्योंकि एक तो रेल सेतु मार्ग से आप वहाँ पे जुड़ रहे हो, और रामेश्वरम जो है
कोई जगह नहीं, वो एक आइलैंड है ना, तो हम लोग आइलैंड पे जा रहे हैं बस, उसको मंडपम से वहाँ तक की दूरी को जोड़ दिया गया है। ओके दोस्तों, तो हमारा जो है यहीं पे समुद्री रेल सफ़र ख़त्म होता है और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे फिशिंग वगैरह वाले होते हैं उनके पास। तो गाइस रियल में था ना क्या लाजवाब, गजब, मस्त यार, रियल में दिल खुश हो गया पम्बन ब्रिज पे। और ख़ास करके जो स्काई व्यू जो आ रहा था ना, वो क्या बोलूँ, मतलब जहर था जहर, रियल में मज़ा आ गया। और ये कपल्स हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं, ये अभी रामेश्वरम को ये भी एक्सप्लोर करने के लिए पूरा इंडिया घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम करके आ चुके हैं, ऊटी, नैनीताल, मदुरई और कहाँ का, रामेश्वरम अभी जा रहे हैं, कन्याकुमारी जाएंगे। इंजीनियर है और बंगाल से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छे क्यूट कपल हैं और इनका एक बेबी। हाय कर दो, हाय हाय कर दो, हाय हाय, आप भी हाय कर दो, हाय हाय। दोनों जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो चलिए मुलाकात करते हैं अब आपसे रामेश्वरम में। और दोस्तों मैं जाते जाते मतलब लास्ट में आपको एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, रामेश्वरम अभी जा रहा हूँ, रामेश्वरम में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है ना, धनुषकोडी है, मंदिर है, टेंपल है, समुद्र है, उन सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अगर आप वो सब वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल एक्सप्लोर विथ मनीष पे आप जा सकते हो। आज तक मैंने इस चैनल पे कभी भी मैंने उस चैनल का नाम नहीं लिया, फर्स्ट टाइम जो आज मैं आपको नाम बता रहा हूँ, एक्सप्लोर विथ मनीष है चैनल का नाम, उस चैनल पर आप जाओ और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अभी जो है उस पर जो है ये सारी वीडियो जो है आने वाली है जो भी रामेश्वरम से रिलेटेड होगी, ठीक है, एक्सप्लोर विथ मनीष। और हम लोग जो है पम्बन ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, पम्बन ब्रिज पे स्टॉपेज था ट्रेन का, तो मेन ये पम्बन ब्रिज हो जाता है, जो भी आसपास के पैसेंजर हैं वो सब यहां से बोर्ड कर सकते हैं। पम्बन, तो हम लोग ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं पम्बन रेलवे स्टेशन को। यार गजब का, बार बार तो मेरा नज़र जो है ना स्काई की तरफ ही जाता है यार, क्या देखो क्या लुक आ रहा है गजब का। तो गए तो फाइनली 665 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन रामेश्वरम। स्टेशन कोड है यहाँ का RMM। और स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ बताया नहीं क्योंकि फ़िलहाल हम पम्बन ब्रिज पर सफ़र कर रहे थे। एक्चुअली जो ये जो है ट्रेन, ये ट्रेन नहीं कोई भी ट्रेन, पहले धनुषकोडी तक जाती थी, धनुषकोडी बोलते हैं वहाँ तक जाती थी, बट 1964 में एक जो साइक्लोन आया था उस साइक्लोन में जो है धनुषकोटी वाला जो सेतु जो था वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया और पूरी की पूरी ट्रेन समंदर में समा गई और लगभग उसमें 113, 114, 115 ऐसे कुछ थे यात्री और 5-6 कुछ जो ट्रेन के गार्ड्स वगैरह होते हैं वो सब थे, पूरा का पूरा ट्रेन जो है समंदर के अंदर बह गया। और जो पूरा धनुषकोटी जो था बहुत एक वो पर्यटन वाला स्थल था, लोग अच्छे खासे वहाँ पर घूमने जाते थे, पूरा का पूरा एक वो आप शहर बोल सकते उस टाइप का बसा हुआ था। लेकिन धनुषकोटी के बाद जो वो जो है जो 1964 के साइक्लोन के बाद जो है धनुषकोटी को दोबारा से नहीं बसाया गया, तमिलनाडु सरकार का मतलब निर्देश था कि एक तरह से जो अपने लैंग्वेज में बोल सकते उसको भूतिया जगह घोषित कर दिया गया कि वो भूतिया जगह है और इसलिए उसको उस शहर को वापस से दोबारा नहीं बसाया गया। काफ़ी दर्दनाक घटना थी, मैं सोचा क्या मैं आपको ब्रिज पे कवर करते करते कुछ ऐसी आपको न्यूज़ बताऊं, बहुत दर्दनाक हादसा था, पूरा का पूरा ट्रेन बह गया था, एक भी लोग नहीं बचा था, पूरी की पूरी ट्रेन समंदर में समा गई थी। ओके तो चलिए ठीक है, ऐसी ही कुछ घटना है, बाकी और कितना बोलूं, तो फिलहाल के लिए इस जर्नी को यहीं पे समाप्त करता हूं। और ये जो हमारे साथ में क्यूट कपल जा रहे हैं है ना, हस्बैंड वाइफ और एक बेबी है, तो हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ये बंगाल से हैं, दोस्ती हो गई, तो इन लोग भी घूमने के लिए आए हैं
तो सोचा क्या यार मैं अकेला घूमू, तो मैं बोला चलो इन सब सॉरी लग गया तो बोला चलो इन्हीं लोगों की कंपनी ले ली जाए, इन्हें भी कंपनी मिल जाएगी और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। तो हम लोग साथ में जो है रामेश्वरम को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और जो भी वीडियो आएगी मैं लास्ट टाइम आपको बता देता हूँ कि एक्सप्लोर विथ मनीष चैनल है मेरा सेकेंड चैनल, उस पर आएगी। तो आप उस चैनल पर जाओ, एक्सप्लोर विथ मनीष को सब्सक्राइब करो, और रामेश्वरम की जो भी ब्लॉग होगी वो सारे के सारे ब्लॉग जो है मैं उस पर डालने वाला हूँ। तो बस इस जर्नी को यहीं पे समाप्त करते हैं, और लास्ट टाइम मैं आप सभी को बोलता हूँ बाय बाय। आप भी बाय कर दो, बाय 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 बाय। चलो ठीक है, वन सेकेंड, बाय बाय। तो मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग एनर्जेटिक ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक ऐसे बने रहें, प्यार देते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, आबाद रहें। बाय बाय।